अब तक आपने देखा कुलकर्णी साईं को फंसाने में नाकामयाब रहता है। घर लौटकर साईं की मदद करने के शक पर वो रुक्मणी को सजा देता है। इधर साईं रुक्मणी के कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। अगले दिन बायजा साईं को भोजन कराते वक्त उनके हाथों पर निशान देखकर चिंता में पड़ जाती है। अब आगे साईं, उसे गोद से उतारो और जमीन पर सीधा लिटा दो। नहीं, नहीं, नहीं करो। बेटा, बेटा अगर इलाज नहीं करवाओगे तो ठीक कैसे होगे? कितनी रातों से सोए नहीं हो मेरे बच्चे। हाँ बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान, पूरे शिरणी में ढूंढा तो लोगों ने बताया कि आप यहाँ मिलेंगे, इसलिए बच्चे को यहाँ ले आया। सब्र रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कब से हो रहा है तुम्हारे सिर में दर्द, बताओ तो सही, तुम्हारे सिर में कब से दर्द हो रहा है? सिर में नहीं, कान में दर्द हो रहा है। कौन से कान में? ये वाले। अगर मैं तुमसे कहता कि अपना कान आगे करो, तकलीफ के डर से तुम मेरी बात नहीं मानते। अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो अपना दोस्त समझ के मुझे माफ कर देना। जैसे जैसे तुम्हारा दर्द कम होगा, मुझसे तुम्हारी नाराजगी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। अबू, सच में दर्द बहुत कम हो रहा है। सच ही कहा था सबने, आप इंसान नहीं फरिश्ता है। फरिश्ता तो हर इंसान होता है किसी ना किसी के लिए। जैसे आप अपने बच्चे को लाए, इतनी दूर मुझे ढूंढते ढूंढते। ये लीजिए, इसका लेप बनाकर कान पर सुबह शाम लगाते रहिए, कान पूरी तरह ठीक हो जाएगा। राम जी भला करें। साईं, आपको मैं ज्यादा कुछ तो दे नहीं सकता, ये छोटा सा नजराना है। नहीं उस्मान भाई, जब धरती मुझसे इन जड़ी बूटियों के बदले कुछ नहीं मांगती तो फिर भला मैं कौन होता हूं आपसे कुछ मांगने वाला। अच्छे कर्म करो उस्मान भाई, सबकी मदद करो, बिना किसी चीज की उम्मीद रखे, निस्वार्थ भाव से। कर्म योग की ये कड़ी अगर ऐसे ही एक इंसान से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक जुड़ती गई तो यह दुनिया और भी बेहतरीन हो जाएगी। खुद भी नहीं जानती कल रात क्या हुआ, कैसे मेरी रस्सी खुल गई और मैं उस कमरे से बाहर आ गई। ये तो कोई चमत्कार ही था, और ऐसे चमत्कार तो आप ही करते हैं। आप ही तो हैं इस पूरे जगत के पालनहार, है ना स्वामी? राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हो, मत ले जाओ सामान। अरे आप कुछ कहते क्यों नहीं, देखो हमारा सामान लेके जा रहे हैं। चलिए ना, कुछ बोलिए ना, क्यों चुप है आप?
कुलकर्णी सरकार से कर्ज लिया था, चुका तो दिया ना इतने सालों से, फिर ये सब क्यों? जो चुकाया था वो ब्याज था, असल नहीं भरोगे तो उसका नुकसान क्या सरकार उठाएंगे? ए, चलो जल्दी जल्दी। असल तो हमने भर दिया ना, हिसाब तो समझा दो। हिसाब समझा है? पंता जी, वो कुछ पूछ रही हैं, उसका जवाब नहीं देंगे। ए फकीर, बीच में मत बोल। सरकार के काम में कोई दखल दे, ये ना कुलकर्णी सरकार को अच्छा लगता है और ना ही मुझे। पंता जी, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि उन्होंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे दीजिए। ये क्या जवाब देंगे, ये लोग तो हमें ठग रहे हैं। बेटी के ब्याह के लिए कर्ज लिया था, बरसों से चुका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ब्याज था। लाज लिया सारा सामान, चलो चलो सरकार राह देख रहे होंगे। चलो चलो चलो, इनका हिसाब तो दे दीजिए। हिसाब? ये तो है हिसाब बैलगाड़ी पे। चलो चलो अंता जी। क्या हुआ, क्यों रुके हो? भारी है सामान, बेल खींचने पा रहे। अंता जी मदद करो। हाँ हाँ, आप भी चलिए। चलो अंता जी, थोड़ा सामान लौटा दे क्या? हाँ, इतना सामान देकर सरकार की तो बादशाह खिल जाएंगी। खींचो खींचो अंता जी। हाँ, वो रस्सी ले लो। हाँ। तुम लोग क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो, जाओ अपना अपना काम करो, चलो निकलो। दादी सरकार सरकार, क्या लाए तुम दोनों? ये लाने भेजा था तुम्हें? इस मायावी ने बैलगाड़ी पता नहीं कब, और तुम दोनों सोते रह गए। नहीं, जगे हुए थे दोनों और पूरी मेहनत से खींचते रहे। गलती बस इतनी की कि एक बार भी पलटकर ये नहीं देखा कि जिसे खींच रहे हैं वो सही है या गलत। Yeah.
हरिओम। तुम्हारा ये तंत्र मंत्र वाला कार्य है ना, उसे गांव के अनपढ़ गवार लोग चमत्कार मान के चकित होते होंगे, कुलकर्णी सरकार नहीं। आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों रहते हैं? नहीं नहीं, घृणा घृणा करता हूं मैं तुझ जैसे पाखंडियों से। समझ ही नहीं आते तुझ जैसे लोग। घृणा और समझ में बड़ा ही अजीब रिश्ता है। जब तक घृणा रहती है समझ काम नहीं करती, और घृणा के दूर होने के लिए समझ का आना भी बहुत जरूरी है। क्या चाहते हो? क्यों कर रहे हो ये सब? क्या सिद्ध करना चाहते हो तुम? कुछ भी नहीं। तो बार बार मेरे कार्य में हस्तक्षेप क्यों? समझता क्यों नहीं मैं तुझ जैसा बैरागी नहीं हूं? वैध होने के साथ साथ मैं साहूकार हूं शिरडी का, सुद पर ऋण देता हूं लोगों को। ब्याज और असल वसूल करना मेरा अधिकार है, और ये सब तेरे समझ से परे है। मेरी समझ से परे है ये बात ठीक है, मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ये बात भी ठीक है, लेकिन जिसने ऋण लिया है उसे तो इस प्रश्न को पूछने का अधिकार होना चाहिए कि उसका हिसाब क्या है। प्रश्न? कुलकर्णी सरकार से प्रश्न करेंगे ये लोग, प्रजा राजा से प्रश्न करेगी। मेरी कृपा पर मेरी दया पर पलने वाले ये लोग मुझसे प्रश्न करेंगे, मुझसे ऋण ले लेकर अपना घर चलाने वाले ये अनपढ़ लोग। यदि प्रजा अनपढ़ हो तो ये दोष प्रजा का है या राजा का? यदि प्रजा ऋण ले लेकर अपना जीवन चला रही हो तो ऋणी कौन हुआ, प्रजा या राजा? लो अब तू सिखाएगा मुझे मेरा दायित्व? मैं बताता हूं मेरा दायित्व क्या है। मेरा दायित्व है शिरडी को तुझसे मुक्ति दिलाना। बात उड़ रहा है ना, समय आने दे, मैं स्वयं छोड़ने आऊंगा तुम्हें शिरडी से बाहर। शिरडी मेरे गुरु का स्थान है, मेरी मां का घर है, और मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं। दरारें आ रही हैं, जितना जल्दी भर लेंगे घर उतना ही मजबूत रहेगा। आप कहें तो मैं मदद कर दूं। सुन, शिरडी मेरा घर है, उसकी सुरक्षा मैं स्वयं कर सकता हूं। हरिओम। शिरडी हम सबका घर है, और इसे मजबूत करने के लिए सबको साथ आने की जरूरत है। प्रजा को, आपको, मुझे, हम सबको। बहुत प्यास लगी है, कोई पानी पिलाएगा? मेरी चौकट पे आया है तू, पानी तो तुझे पिलाना पड़ेगा। कोई जल पिलाओ इसे। हाँ
दादा, देखा कैसे दौड़ के गई है उस पाखंडी को पानी पिलाने के लिए। जैसे वो आपका दुश्मन नहीं, कोई लंगोटिया मित्र हो। कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। तो कल रात जो चमत्कार हुआ वो साईं, साईं ने मेरी तकलीफ दूर की। हाँ, और ये खाओ, आपके हाथों पर रस्सियां किसी के भी हाथों में हो, घाव मुझे ही मिलते हैं। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। चला गया वो। अच्छा अप्पा, मैं चलता हूँ। अभी से तैयारियां शुरू करूंगा, तब जाकर पैसों का प्रबंध हो पाएगा। थोड़ा समय लगेगा। आप इतने चिंतित क्यों हैं? सब ठीक हो जाएगा। और आपकी बेटी यमुना कितनी सुशील और गुणवान है, देखेगा। उसकी शादी किसी अच्छे और बड़े परिवार में ही होगी। सही कह रहे हैं ये। यमुना के लिए लड़का ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी। देखिए बायजा कितना खुश है अपने बेटे साई से मिलकर। आने कसम जो वापस लिए। हाँ बाबा, आज तो आईने अपने सामने बिठाकर साई को खाना खिलाया है। अरे वाह। अच्छा मैं चलता हूँ। अब रुके मालसा पति जी, मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है, साईं के बारे में। साईं के बारे में? हाँ काका, बहुत सारे निशान देखे आज साईं के हाथों में, नीले काले निशान। क्या हुआ? साईं बताता कहाँ है, देखकर तो ऐसा लगा जैसे किसी कीड़े ने काटा है। अब सोता भी तो खंडर में जमीन पे है, फिर ऐसा ही होगा ना। इसलिए मैंने सोचा है कि अगर हम साईं के सोने के लिए कोई पलंग का इंतजाम कर दे तो। बिल्कुल, तो फिर आज ही चलते हैं खंडर। पलंग कहाँ और कैसे लगाना है ये भी देख लेंगे। मेरे एक मित्र है नाना साहब, वो लकड़ियों का बंदोबस्त कर देंगे। वैसे उनकी भी बड़ी इच्छा है कि वो एक बार साई से मिले। फिर मैं नाना साहब को संदेशा भी भिजवा दूंगा। क्यों मालसा पति जी? आपके मन में साई के लिए जितना भी प्रेम है उसे अपने मन में ही रहने दीजिए। दुनिया वालों के सामने साईं से दूरी बनाए रखना ही उचित है। क्या हुआ मालसा पति जी? अगर आप कहीं व्यस्त है तो मैं हो आता हूं। अरे नहीं नहीं, मैं कहीं भी व्यस्त नहीं हूं, मैं चलूंगा ना आपके साथ। चल तात्या, अब तू भी खा ले। चल सरकार,
निकालो, सबका हिसाब निकालो। जिस जिसका एक आना भी शेष है आज सबका हिसाब कर देंगे। बता देते हैं असल और ब्याज में अंतर। सरकार कराए घनश्याम से वसूली? नहीं हुआ सरकार। नहीं हुआ का क्या अर्थ है? सरकार घनश्याम ने कहा कि उसने असल और ब्याज दोनों चुका दिया, अब उसका कुछ भी बाकी नहीं। उसका कुछ भी बाकी नहीं, ये उससे किसने कहा? वो बुढ़िया जिसका सामान लेने गए थे अंताजी पंताजी। वो समझाती फिरती है सबको कि अपना हिसाब अपने पास रखो, साईं के बताए रास्ते पर चलने के लिए भड़का रही सबको, पढ़ाई करो जाहिल मत रहो। कहती है सब पढ़े लिखे होंगे तो कोई साहूकार उनके साथ बेईमानी नहीं कर पाएगा। हरिओम। सरकार को बेईमान कहा? देख रहे हो दादा, पहले गांव वालों को भरगलाना, फिर अपने आप को वैद कहना, ये सब कम था कि अब तुम्हारी साहूकारी पर भी प्रश्न उठा रहा है वो बैरागी? वो है कि तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है और तुम होके कुछ कर ही नहीं रहे। दादा थूक चाटे प्यास नहीं मिट्टी। दादा तुम्हें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा दादा। सबसे बड़ा कर्म तो स्वयं अपने परिवार के प्रति होता है। आज रात यमुना का रिश्ता जरूर हो जाएगा। 100 तोला सोना तो आजकल कोई भी दे देता है अपनी बेटी की शादी के लिए। अब कहिए ना अपने साईं से कि कहीं से 100 तोले सोने का भी इंतजाम कर दे ताकि उनकी कही बात सच हो जाए।